इन्वेस्टमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हो? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरियामटिक। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे यूपी टीजीटी 2021 का कितना कट ऑफ रह सकता है और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मात्र एक सेकंड का समय रहेगा, उसके बाद आप जुड़ेंगे। फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हुए जानते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 7 अगस्त को यह एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, तो यहाँ पे इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, इसमें कितना नंबर या कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि कितना टोटल पोस्ट था टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए टोटल दोस्तों 12,000 कुछ पोस्ट था, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी के लिए 12,000 कुछ पोस्ट निकल के सामने आया हुआ था। और यहाँ पे ये बात थी इसकी एग्जाम प्रोसेस में कि टोटल 125 क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, टोटल पूर्णांक 500 नंबर का यहाँ पे पेपर था, ठीक है। और यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग थी, इस पे ध्यान देना जरूरी है, नो निगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। मतलब यह है जिसको जिस स्टूडेंट्स को नहीं भी आ रहा होगा वह अभी पूरा अटैम्प्ट करने की कोशिश किया होगा या फिर पूरा अटैम्प्ट करके आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि निगेटिव मार्किंग रहता तो निश्चित तौर से कट ऑफ और कम जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है हर एक जो है कैटेगरी के लिए, उसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया था, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में थे। तो देखिए यहाँ पे 125 में 125 लोग अटेम्प्ट करके आए हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग था नहीं, कोई दिक्कत था नहीं, ठीक। तो इस 125 में ऐसा नहीं है, यदि किसी को 90 क्वेश्चन आ रहा होगा और यदि उसने जो है फिर बचे हुए 35 क्वेश्चन को निगेटिव जो है फिर उसने कर दिया होगा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण 35 क्वेश्चन कर दिया होगा, हो सकता है 10 क्वेश्चन उसका सही रहा हो, इसमें टोटल इसमें 90 में जुड़ जाएगा, 100 क्वेश्चन उसका हो गया कि नहीं हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। तो मैंने बताया है पहले ही कि जनरल का जो कट ऑफ रह सकता है वहाँ पे यदि आपने 105 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो निश्चित तौर से सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। और यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो यदि आप 100 प्लस किए हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, और SC ST के लिए 95 प्लस किए हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। दोस्तों, ये चीज़ डिपेंड करेगा आपकी सब्जेक्ट को लेकर जो है फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, उसके हिसाब से यह वेरी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट में कितने टोटल पोस्ट थे उसके हिसाब से यहाँ पे कम बेसी हो सकता है। लेकिन यदि जनरल कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कट ऑफ नियर अबाउट एवरेज में यही रहने वाला है, ठीक है। अब इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, जो भी होगा आपको बता देंगे। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स लिखिएगा, तब तक लीजिए जय भारत।